श्री गुरुभ्यो नमः संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च स्वागतम् अद्य वयं पुनरेकवारं कुशलप्रशासनम् अद्य वयं पुनः कुशलप्रशासनम् इति पाठं पठामः गतदिने पञ्चश्लोकाः अस्माभिः पठिताः अद्य अवशिष्टानि पद्यानि पठामः अस्तु तावत् शृणुमः कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित् कालेवबुध्यसे कच्चिच्चापरात्रेषु चिन्तयस्यर्थ अर्थनैपुणम् कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित् मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं। क्षिप् प्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव कच्चित्सहस्रान्मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पण्डितम् पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत् एकोऽप्यमा योमे धावि शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्राप्तयेन महतीं श्रीयम् हम पहले इन पांच श्लोकों का अन्वय और पदार्थ समझ लेते हैं कच्छिन निद्रावसम नयशी अर्थात क्या निद्रा के वश तो नहीं चले जाते राजा को चाहिए कि वह सदा जागृत अवस्था में रहे इस पंक्ति का पूरा भावार्थ हम देखते हैं अर्थ नैपुणम चिंत कथम तदर्थम किम करणीय कच्चि निद्रावशम नयसी कच्चित काले अवबुद्ध्यसे कच्चित पद का अर्थ यहाँ यह जो अव्यय है क्या यह अर्थ है क्या निद्रा के वश में तो होकर राज्य में नहीं रहते हो क्या ज़्यादा सोने की अवस्था में तो नहीं रहते हो समय से उठ जाते हो या नहीं दूसरा जो चरण है उसका अर्थ है कच्चित काले अवबुद्ध से क्या काले यथा काले यथा समय जगने का जो समय है उस समय अवबुद्ध से जग जाते हो या नहीं समय से सोना और समय से जगना जीवन की दिनचर्या का यह अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है यही हमारे पूरे दिन की क्रियाओं का निर्धारण करता है तीसरा प्रश्न करते हैं कच्चिचापर रात्रेशु चिंतयसी अर्थ नैपुणम क्या अपर रात्रेशु रात्रि का जो अपर भाग है तो रात्रि का प्रारंभ होता है निशा की सूर्यास्त के बाद निशा का मुख होता है और उसका जो अंतिम भाग होगा ब्रह्म मुहूर्त का क्षेत्र समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है उस समय उठ जाना और उस समय उठ करके अर्थ नैपुणम चिंतय अर्थात अर्थस्य नैपुणम अर्थ नैपुणम क्या अर्थों की निपुणता को सोचते हो या नहीं राज्य की संपत्ति का वर्धन कैसे किया जाए राज्य का विस्तार राज्य की समृद्धि कैसे हो क्या सोचते हो या नहीं ये राम जी भरत को प्रश्न कर रहे हैं भरत से पूछ रहे हैं यह केवल राम जी पूछ रहे हैं और भरत जी पर लागू हो ऐसा नहीं होता ये हमारे और आपके जीवन पर भी लागू होता है यथा समय सोना यथा समय उठना और उसके साथ साथ यथा समय अर्थ नैपुणम अर्थात अर्थ की निपुणता की चिंता करना अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्या की निपुणता की चिंता करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए आगे की पंक्ति देखते हैं कच्चिन्त्र यसे नई कह न बहु सह कच्चिते मंत्रि तो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती क्या एक से ही मंत्रणा लेकर तो कार्य नहीं करते मंत्र मंत्रणा लेना परिचर्चा करना संवाद करना किसी निर्णय को लेने के लिए एकम न मंत्र एक से मंत्रणा नहीं करना तो सबसे मंत्रणा नहीं करना है ये अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि कच्ची न बहु सह बहुत लोगों के साथ नहीं कि अगर हम अपने देश में अपने राज्य में दस हजार की संख्या है तो दस हज़ार लोगों से पूछ कर अगर कार्य करेंगे तो कोई कार्य संपन्न होना कठिन हो जाएगा तो किससे जो चयनित लोग हैं वो भावी भविष्य का चिंतन करते हुए किसी नीति का निर्धारण करते हैं इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में कहते हैं कच्चित्य मंत्रितो मंत्र न परिधावती कचित्ते मंत्रितः मंत्र अगर ये कोई भी मंत्रणा स्वयमेव ले ली जाए लोगों से पूछा न जाए उसके लिए उत्तरदायी लोग जो हैं तत्संबंधित जो लोग हैं उनसे परामर्श न किया जाए और न केन प्रकार किसी भी नीति का आरंभ कर दिया जाए तो राष्ट्रम न परिधावती राष्ट्र परितह न धावती अर्थात उत्थान को प्राप्त नहीं होता वह आगे नहीं बढ़ पाता है अगला पद्य देखते हैं कच्चिदर्थम विनिश्चित लघुमूल महोदय क्षिप्ररभ से कर्म न दीर्घयसी राघव इसका अन्वय होगा हे राघव कच्चित लघुमूल महोदय अर्थम विनश्चि क्षिप्ररभसे कर्म न दीर्घयसी अर्थात हे राघव अर्थम विनिश्चित्य, अर्थ का चिंतन करके राज्य की संपदा को बढ़ाने के लिए राज्य की समृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए लघु मूलम महोदयम ऐसी नीति बनानी चाहिए जो लघुता मूलक हो और महोदयक हो अर्थात जिसमें निवेश कम करना पड़े और उससे उत्पत्ति उससे जो वृद्धि है वह अत्यधिक हो दूसरा विशेषण दिया कि नीति अगर आपकी ऐसी है तो सफलता आपकी होगी किंतु उसमें ध्यान ये देना होगा कि क्षिप्रम आरभ से कर्म न दीर्घयसी जो क्षिप्र कर्म है जल्दी किया जाने वाला कर्म है वह जल्दी किया जाने वाला कर्म न दीर्घयसी ज्यादा समय तक नहीं होना चाहिए अर्थात जो छोटे कार्य हैं वो अत्यंत कम समय में पूरे करने चाहिए इस श्लोक का यही आशय है हम अगला पद्य देखते हैं कच्चित सहस्रान मूर्खाणाम एकम इक्ष एक पंडितम पंडितो ह्यर्थकृश्रेशु कु्रेयस महत् अर्थात राज्य में जो चयन प्रक्रिया है लोगों के को स्थान देने का जो क्रम है वह कैसा होना चाहिए तो पहली पंक्ति में कहा है कच्चि सहस्रान एकम इच्छसि पंडित हजार मूर्खों को अपने राज्य में स्थान देने की बजाय एकम पंडितम इसी क्या तुम हजार मूर्खों का पालन करने के बजाय एक पंडित को पंडित का तात्पर्य यहाँ पे जो प्रबुद्ध व्यक्ति है पढ़ा लिखा व्यक्ति है समझदार व्यक्ति है ऐसा तो मूर्खों की अपेक्षा राज्याश्रय जो देना है राज्य की सेवा में जो नियोजन है वह तुम क्या पंडितों को देते हो दूसरी पंक्ति में कहते हैं पंडितो ह्यर्थ कृक्ष श्रेय सम महत क्यों ऐसा कह रहे हैं ये कारण बताया उसमें राज्य में राज्य के कार्यों की नियुक्ति के लिए हजार मूर्ख हम रख लें या एक समझदार व्यक्ति वहाँ रख लें उसमें हजार लोगों को ना नियुक्त करके एक प्रबुद्ध व्यक्ति को क्यों नियुक्त करना चाहिए इसका हेतु दूसरे पंक्ति में लिखा तीसरा चरण हम देखते हैं पंडितो ही, पंडितो ही अर्थकृषु कु्रेयस महत् महत अर्थ अर्थस्य कृक्ष अर्थकृक्ष तेसु अर्थकृक्षु जो समझदार व्यक्ति होगा जो प्रबुद्ध है जो पंडित है पंडित पद की वित्पत्ति हम देख लेते हैं शास्त्र पंडित का अर्थ क्या कहता है पंडा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि तो सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा और पंडा संजाता पंडिता पंडा पद से इतच प्रत्यय करके पंडित यह बनता है अर्थात सही और गलत का विवेक जिसके पास है वह व्यक्ति पंडित है कि जो पंडित होगा समझदार होगा वो क्या करेगा तो कहा अर्थ अर्थकृक्षेशु जब राज्य में अकाल पड़ जाएगा जब राज्य का वैभव प्रायः क्षीण होने लगेगा उस समय कुर्यात निःश्रेय संहत वह जो समझदार व्यक्ति होगा वह राज्य की सत्ता को संरक्षित कर पाएगा वही राज्य को सुचारू रूप से आगे चला पाएगा इसलिए मूर्खों की नियुक्ति नहीं करना अपितु समझदार व्यक्ति की नियुक्ति करना जो व्यक्ति जिस पद के योग्य होगा उसको उस पद पर नियुक्त करना यह इस श्लोक का तात्पर्य है अगला हम देखते हैं एकोप्यमा मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण राजपुत्र वा प्राप्न् महती श्रिया अमात्य अर्थात मंत्री तो यहाँ पे मंत्री कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं एकोपि दस मंत्री अयोग्य अगर हैं तो उन दस अयोग्य मंत्रियों की अपेक्षा एक समझदार जो अमात्य है एक बुद्धिमान जो मंत्री है वह राज्य के लिए हितकारी है एक मंत्री भी राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है अगर उसमें ये गुण हो तो वो गुण कौन है हम देखते हैं मेधावी शूर दक्ष विचक्षण चार विशेषण दिया वह मेधावी होना चाहिए मेधावी का मेधा अस्ति यस्य अथवा यस्मिन जिसके पास बुद्धि है वह मेधावी है बुद्धि तो सबके पास होती है लेकिन विशिष्ट बुद्धि दूरगामी चिंतन करने का सामर्थ्य जिसके पास होगा वह मेधावी होगा दूसरा शूर वह बलवान भी होना चाहिए चाहे वह शारीरिक दृष्टि से हो चाहे बौद्धिक दृष्टि से हो चाहे आर्थिक दृष्टि से हो हर दृष्टि से वह शूर होना चाहिए आत्मिक बल सबसे बड़ा बल होता है और वह बल उसमें होना चाहिए तीसरा विशेषण देते हैं दक्ष और चौथा विचक्षण दक्ष का अर्थ निपुण है वह निपुण होना चाहिए कार्य को करने में कुशल होना चाहिए और विचक्षण होना चाहिए विचक्षण पद का अर्थ है कुशल या निपुण तो ये सारे अमात्य के विशेषण हैं इस प्रकार का जो अमात्य होगा वह राजानम राजा की रक्षा करने में समर्थ होगा राजपुत्रम वा, राजा के पुत्रों की भी रक्षा करने में समर्थ होगा इसलिए यहाँ कह रहे हैं राजानम प्रापयेन महतीम श्रेय वह इन दोनों को ही महती, महतीम श्रेय अर्थात महती श्रीय, श्री पद का अर्थ है लक्ष्मी होता है वैभव अर्थ है यहाँ पर अर्थात उस राज्य को इस प्रकार का जो समझदार मंत्री होगा वह समृद्धि दे सकेगा समृद्धि को प्रदान करेगा ये तो हमने पांच श्लोक पढ़े आगे के पांच श्लोक हम फिर एक बार उच्चारण करेंगे उनको पढ़ेंगे उसके बाद फिर उनके अन्वय और व्याख्या को हम समझेंगे कच्चि मुख्या महत्स्वे मध्यमेशु मध्यमा जघनयाश्चन्यशु भृत्यास्ते तातयोजिताः अमात्यानुपधाति तान् पितृपैता महाच्छुचीन् श्रेष्ठाच्छ्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान्मतिमान्च्छुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलबसे कालातिक्रमणाच भक्तवेतनोभृता भर्तुरप्यतिप्य सोनर्थ सुमहान स्मृत प्रत्येक पद्य के अन्वय के साथ पदार्थ को समझते हैं पहली पंक्ति है कच्चिन मुख्या महत्स्वेव सुच मध्यमा यहाँ दंड का विधान दिया जा रहा है एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति किस तरह व्यवहार होना चाहिए कहा कच्चिन मुख्या महत्स्वेव जो महान लोग हैं जो वैभवशाली हैं प्रतिभाशाली लोग हैं उनको मुख्या मुख्य स्थान देना चाहिए जो प्रतिभा संपन्न हैं प्रज्ञावान हैं योग्य हैं उनकी योग्यता का कदापि हनन नहीं होना चाहिए उन्हें उनके योग्यता के अनुसार स्थान मिलना चाहिए दूसरा मध्यमेशुच मध्यमाह, जो मध्यम गुणवान हैं ना तो ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हैं और ना ही नीचे की श्रेणी में आते हैं अर्थात जो सम हैं समानांतर ऐसे जो लोग होते हैं उनको मध्यम व्यवस्था देनी चाहिए तीसरी पंक्ति में कहते हैं जघन्यास् जघन्य पद का अर्थ है निंदनीय अर्थात जो निंदित कर्म करने वाले हैं उनको उसी कर्म में योजित करना तात्पर्य यह निकला प्रज्ञावान प्रज्ञा वाले क्षेत्र में जो मध्यम स्तर के हैं वो मध्यम कार्यों में और जो निंदनीय कर्म करने वाले हैं उनको निंदनीय कर्म में कर्म में हे तात किम ते योजिता हा। हे तात हे भाई क्या आपने इस तरह से गुणों के आधार पर लोगों को नियुक्त किया है पूछ रहे हैं हर जगह प्रश्न ही है जैसा कि हमने आपको बताया था कच्चित क्या अस्तु आगे देखते हैं अमात्यानुपधातीतान पितृ महान शुचीन श्रेष्ठात श्रेष्ठेशु कच्चित्व नियोजयसी कर्मसु यहाँ भी कार्यों में नियोजित करने की बात इस श्लोक में भी की जा रही है कहते हैं अमात्यान उपधातीतान उपधाया अतीत उपधातीत उपधातीत पद का ही अर्थ होता है परीक्षित उपधातीतान पद का ही अर्थ है परीक्षा से पास किए हुए जो लोग हैं जो चयनित किए गए लोग हैं उन लोगों को अमात्यान अर्थात मंत्रियों को पूरा पद हम अलग अलग देख सकते हैं अमात्यान उपधातीतान, पितृ महान शुचीन पितृ पिता म, लोग और पिता से तात्पर्य है कि स्वयं के पिता बड़े उनके बड़े भाई उनके छोटे भाई पिता महान अर्थात पिता के भी जो पिता लोग हैं पितामह श्रेष्ठात श्रेष्ठे सुकच्चित्व नियोजयसी क्या ऐसे जो महान पुरुष हैं जो योग्य मंत्री जो संपरीक्षित लोग जो पितृ इत्यादि संबंधी अथवा पिता महादि संबंधी और भी जो समाज के महान लोग हैं शुचीन जो पवित्र लोग हैं संत महात्मा तो शुचीन अर्थात शुद्ध लोगों को किम तव नियोजयसी कर्मसु किम तम नियोजयसी क्या तुमने कर्म में नियोजित किया है कच्चिधृष्ट शूरस्य धृतिमान मतिमान शुचि कुलीनश्चानुरक्त दक्ष सेनापति कृतः इस पद में सेनापति कैसा होना चाहिए यह बताया गया है राज्य की रक्षा के लिए जो सेनाएं गठित की जाती हैं रोज नए नए प्रयोग चलते हैं वो कैसे होने चाहिए उसको करने में कौन सक्षम होगा किस प्रकार का सेनापति उसे अच्छे प्रकार से कर पाता है वह इस श्लोक में कहा गया हम अन्वय देखते हैं कच्चि धृष्ट शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि अर्थात जो सेनापति है वह धृष्ट होना चाहिए धृष्ट अर्थात ढीठ जिसे हम कहते हैं अत्यधिक उत्कृष्ट इच्छाओं वाला ऐसा ढीठ होना चाहिए दूसरा दूसरा विशेषण देते हैं शूरस् वह वीर होना चाहिए धृतिमान धैर्यवाला होना चाहिए धृतिपद से मतुप्रत्यय करेंगे धृति धैर्य धृति अस्यास्तीति धृतिमान मतिमान मति अस्यास्तीति मतिमान अर्थात युक्त और युक्त। बुद्धिमान होना चाहिए अगली पंक्ति में कहते हैं कुलीनश्चाक्त चा दक्ष सेनापति त्वया कृत दक्ष सेनापति सेनापति दक्ष होना चाहिए कुलीन अर्थात कुल संपन्न होना चाहिए अगला श्लोक देखते हैं बलस्य से च चेतन च यथोचित संप्रातका दातव्य ददासी न विलबसे कच्चित बल से भक्त च क्या आप भक्त का तात्पर्य यहाँ भोजन से है भक्तम अर्थात भोजनम वेतनम अर्थात सेवा के बदले दिया जाने वाला जो द्रव्य है तो एक बार हम अन्वय के आधार पे अर्थ देख लेते हैं कच्चित अर्थात क्या बलम भक्तम भक्तम वेतनम च भक्त और वेतन और वह कैसा हो यथोचितम जो जिसके योग्य है उसको उतना वेतन कार्य के अनुसार वेतन दिया जा रहा है कि नहीं यह प्रश्न कर रहे हैं तीसरे चरण में कहते हैं संप्राप्त कालम दातव्यम तदासी न विलंब से यथा समय तीस तारीख मतलब तीस को ही अगले महीने नहीं यथा समय देना चाहिए अगर सेवा करने वाले व्यक्ति को जो सेवा में नियुक्त है उसको यथा समय वेतन नहीं मिलता तो फिर वह क्या होता है अगले श्लोक में बताएंगे लेकिन दातव्यम यथा समय देना ही चाहिए उसे विलंब नहीं करना चाहिए भरत से यही बात कहते हैं कि ददासी न विलंब से देते हो कि नहीं विलंब तो नहीं करते अगला पद्य देखते हैं कालातिक्रमणाच भक्तवेतनोर्भृता भक्त भर्तुरप्यति कु्यती सो अनर्थ सुमहान स्मृत यह महान अनर्थ हो जाता है अगर यथा समय वेतन नहीं दिया जाता तो राज्य का अनर्थ होता है एक बार हम अन्वय देख लेते हैं इस पद का भक्ता भक्तवेतनो कालातिक्रमणा भर्तु आपी सह सुमहान अनर्थ स्मृत अर्थात सह अनर्थः स्मृतः वह बहुत बड़ा ही अनर्थ होता है अनर्थ होना अर्थात गलत होना जिस क्रिया का दुष्परिणाम आ जाए सही परिणाम ना हो क्या दुष्परिणामकारी होता है तो उसे हमने अन्वय के पहले भाग में पढ़ा देख सकते हैं कालातिक्रम भक्त वेतन यो कालामणात् भक्त वेतन भक्त का तात्पर्य भोज्य पदार्थ और वेतन इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में आज भी दिया जाता है जैसे टी ए डी ए भत्ता देते हैं उस समय भी भक्त और वेतन इन दोनों की व्यवस्था थी भक्त शायद वही भत्ता है जो भोजन के लिए दिया जाते हैं तो भक्त और वेतन दोनों ही देने की व्यवस्था थी अगर भक्त और वेतन दोनों नहीं दिया जाता या कालातिक्रमणात् काल का अतिक्रमण करके दिया जाता है प्रत्येक मास में उचित अवधि में नहीं दिया जाता तो क्या होता है कहा भरतु अपि अति कुप्यंती जो भृत्य लोग हैं वो भर्ता पर कोप करते हैं वह कोप का भागी होता है वह दुखी होता है भृत्य लोग भी दुखी होते हैं और उस कोप का परिणाम ये होता है कि सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे और अगर कार्य में बाधा हुई तो राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी इस प्रकार से हमने कुशल प्रशासनम इस पाठ के अंदर वाल्मीकि रामायण के पंद्रह श्लोक जो कि अयोध्या कांड में आए हुए हैं उनको पढ़ा इस पाठ के अंत में हम देखेंगे बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं संस्कृतेन उत्तरम देयम इसमें दस प्रश्न लिखे हुए हैं आप पुस्तक में पढ़ाए गए अंशों के आधार पर इनके उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे इसी के साथ साथ आगे हम देख रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए मातृभाषा में व्याख्या लिखने के लिए निर्देश है श्लोकों का हिंदी में या अपनी मातृभाषा में अनुवाद लिखने का निर्देश है विपरीतार्थक शब्दों को लिखने का निर्देश है इसी तरह एक शब्द के अपर पर्यायवाची शब्दों के लिखने के निर्देश हमें दिख रहे हैं हम पुस्तक के उस भाग को देखेंगे योग्यता विस्तार के भाग को देखेंगे और इससे संबंधित जो श्लोक हैं इन्हें हम पढ़ कर के और इनको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे आज हम इतना ही पढ़ते हैं इसके बाद अगली कड़ी में दूसरा पाठ पढ़ेंगे धन्यवाद